तो सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तरह से मैंने भी अपना इंजीनियरिंग दो में किया था उसके बाद मैंने आई टी रुड़की से एम किया एंड उसके बाद आई वॉज़ प्लेस इन ए कंपनी कोर डी शो एंड कंपनी और डी शो में ढाई साल जॉब करने के बाद आई लेफ्ट दैट जॉब एंड जॉइंट एज अ टीचर इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज और जो गीसवरीस है वो मैंने अपने डी शो की शॉप के साथ ही पार्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था तो आई वर्क ऑन गीसवरीक्स फॉर ऑलमोस्ट सेवन ईयर्स एज अ पार्ट टाइम एक्टिविटी एंड देन आई स्टार्टड डूइंग इट फुल टाइम इन टू तो गीसवर्गीय से एक बूट स्ट्रैप्ड कंपनी है मैं आपको पहले थोड़ा बूट स्ट्रैप बता देता हूँ कंपनी क्या होती है दो तरह के कंपनी होते हैं बूट स्ट्रैप एंड फंडिंग बूट स्ट्रैप कंपनी वो होती है जिसमें आप अपना रेवेन्यू होता है जो प्रॉफिट होता है उसे वापस इन्वेस्ट कर रहे होते हो और आपकी जो खुद की अर्निंग होती है उसे लगा रहे होते हो आप किसी लोन नहीं लेते आप किसी इन्वेस्टमेंट नहीं लेते सो वी आर ए बूट स्ट्रैप कंपनी वी आर मेनली इन कोडिंग वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट एंड दिस इज रिटन बाय इंजीन स्टूडेंट्स ऑनली एंड दी अदर थिंग दैट वी डू एज कोर्सेज एंड रिसेंटली वी है स्टार्टेड जॉब पोर्टल एज वेल काफी सही सो so, सर ये गीक्स फॉर गीक्स को स्टार्ट करने का रीजन क्या था मतलब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे तो आपने क्यों एक ब्लॉग पोस्ट स्टार्ट करने का सोचा तो जब मैंने 2004 में इंजीनियरिंग करा बीटेक में तो बीटेक में तो यार किसी को कोई आइडिया नहीं था मेरे कॉलेज में कि ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है कंपनी के अकेडमिक्स क्या होते हैं right. हम सब लोग अपने अकेडमिक्स में ही बिजी थे कंपनी के रिक्वायरमेंट क्या होते हैं मैं नहीं पता था Aha. जब एम करने गए तो एम में जाके पता लगा कि छः साल जो पढ़ा है वो कुछ इतना काम नहीं आने वाला Aha. और डेटा स्ट्रक्चर अलगोरधम ही काम आता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तो मैंने एक बहुत बड़ा गैप देखा

बट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम टीचिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑनलाइन और और ऑफलाइन में आपको क्या क्या ज्यादा प्रेफर करते हो आप और, मतलब डिफरेंस रहता है देखो अगर आप ऑफलाइन पढ़ा मैंने ऑफलाइन एक इंजीनियरिंग कॉलेज में साढ़े पाँच साल पढ़ाया हुँ. और वो साढ़े पाँच साल में मैं मुझे बहुत मजा आया टीचिंग करने में मतलब मुझे मेरा कोई वो नहीं था कि मुझे ऑनटरप्रेनर बनना है एंड आई टोटली इट ऑफलाइन तो मुझे बेस्ट लगता है अगर आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो आपका जो आई कॉन्टेक्ट होता है और आपको पता चल जाता है स्टूडेंट्स की फेस देख के यार उसको समझ में आ रही है और right. आपका लाइफ में कोई भी स्ट्रेस चल रहा हो आप एक लेक्चर अच्छा दे लो आपके सारे स्ट्रेस बर्न हो जाते हैं सब कुछ सही हो जाता है तो ऑफलाइन इज द बेस्ट वे टू टीच बट ऑनलाइन में एडवांटेज है कि आप ज्यादा लोगों को रीच करते हो hmm. और वो ही लोग आते हैं जो मेनली uh, इंटरेस्टेड होते हैं जैसे अगर गीक इसी बात करें तो समी सर्चेज समथिंग ऑन द गूगल एंड ऑनलीन येज ऑफलाइन में कई बार ऐसा हो जाता है कि यार बहुत सारे नहीं के बच्चे पेरेंट्स ने भेज दिया right. वो क्लास कर रहे हैं राइट राइट ये ये तो तो है है तो अब आपको ज्यादा पसंद तो ऑफलाइन पढ़ाना ही है

तो उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है दैट हैज़ ग्रोन मल्टीपल फोल्ड्स राइट कि बहुत सारी एम और इंडिया में आई हैं बहुत अपने डेवलपमेंट सेंटर्स ओपन करें काफ़ी ज़्यादा हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नेक्स्ट फाइव ईयर्स टेन ईयर्स में देखो यार मैं इस इंडस्ट्री को 2004 से देख रहा हूँ और 2004 से 2022 आ गया है। एक चीज़ बिल्कुल कॉमन रही है कि सब डी ए सूछते हैं मेरे टाइम पे जो इंटरव्यू होते थे वो भी वही मर्सऑट के वेरिएशन वही स्टैंडर्ड स्टैक uh, के क्वेश्चन जो स्टॉक स्पेन प्रॉब्लम है उसके वेरिएशन सो कंपनीज़ डू स्टिल आस्क द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन दिस थिंग हैज नॉट चेंज एंड आई फील लाइक दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इन दी अपकमिंग ईयर्स क्योंकि अभी गूगल भी वही अभी भी पूछता है पहले कोई कंपनी चेंज करेगा तो गूगल करेगा एंड अदर कंपनीज विल टेक टाइम टू फॉलो दिस तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके टाइम जब तक आप कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हो तब तक ये चेंज नहीं होने वाला है और एक जो मैंने देखा टेक्नोलॉजी आते जाते रहते हैं दो में जब मैं एम कर रहा था तो लोग सब लोग बोलते थे यार एंड्रॉयड का जमाना आ गया है एंड्रॉयड से बहुत सारे स्टार्टअप भी बने लाइक पे टी एम ओला दीधर ऑल एंड्रॉड बेस्ड कंपनी अभी लोग ब्लॉक चेंज डेटा साइंस से भी काफ़ी सारे स्टार्टअप बन रहे हैं लेकिन अगर हम जॉब की बात करें या एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें सबसे ज़्यादा डी एस ए ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ चेंज नहीं हुई है और वो फ्यूचर में चेंज भी नहीं होने वाला है गुड प्रोग्रामर्स गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड

कि टेस्ट कैसे लोगे जाके आप क्योंकि इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल नहीं थे एंड उनको कॉलेजेस का भी इतना ही नहीं था जब बस यही होता था कि हाँ आई में चले जाओगे एन में चले जाओगे अब लोग ही इतने ज़्यादा हैं उनको हायरिंग भी इतनी ज़्यादा करनी है तो दे स्टार्टेड हायरिंग ऑफ कैंपस भी बहुत ज़्यादा है लाइक अमेजोन गूगल माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़ कैंपस ही इतने सारे ड्राइव्स करते हैं हर साल इतने सारे लोगों को हायर कर रहे होते हैं

वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन का सोर्स अवेलेबल है पता नहीं निशांत अभी तो यार हमने की इस दो हज़ार नौ से कर रहे हैं और आप लोग भी आप हो या और लोग भी जो इस इंडस्ट्री में है और कंपनीज में हैं दे आर ऑल डूइंग वेरी गुड बट स्टिल पता है आई डोंट नो व्हाई द इन्फॉर्मेशन इज नॉट रीचिंग व्हाई स्टूडेंट्स आर स्टिल कंफ्यूज इट्स वेरी वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है एंड ऑल यू नीड टू डू इज पुट योर हार्ड वर्क इन प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर वो कर लोगे तो आपका जॉब लग जाएगा बहुत सारे ऑनलाइन इतने जॉब हायरिंग हो रहे हैं आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट करते रहो यू विल गेट अ जॉब इट्स ऑल अबाउट एंड इट्स अ वेरी वेरी फेयर गेम नाउ अगर आप मेरे टाइम से बात करो तो हमारे टाइम पे क्या होता था यार किसी का कजन बढ़ता रहे वो किसी कंपनी में रेफर कर देगा तो इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी क्योंकि ऑनलाइन नहीं था पहले हाँ. अभी बहुत फेयर गेम है आप बस हार्डवर्क करो क्वेश्चन करते रहो यू विल गेट अ जॉब LinkedIn तो है ही काफी ज्यादा अगर आपको रेफरल चाहिए अगर आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना है रेफरल के तो के थ्रू थ्रू तो आप काफी ईजिली किसी को भी अप्रोच कर सकते हो अब वो भाई और कजन वाला सिनारियों की जरूरत ही नहीं पड़ती ये टेक्नोलॉजी ने ये चीज काफी ईजी कर दी like, है लाइक हायरिंग कॉन्टेस्ट बहुत ज्यादा होने लग गए हैं तुम्हें पढ़ने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है तुम्हें लोगों को रीच आउट करने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ये सब पांच साल छह साल दस साल पहले नहीं थी राइट

जैसे अभी आपने बोला कि इतने सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं जो बता रहे हैं चीज़ें या फिर जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो तुम्हें सिखा रहे हैं सेम चीज़ें बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड दिस जॉब जॉब ओपनिंग्स या फिर अपॉर्चुनिटीज़ उसका एक तो रीज़न है करिकुलम बहुत स्लो चेंज होता है हमारा अभी भी पता नहीं कि हम सी पढ़ा रहे होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आई एम नॉट अगेंस्ट सी बट इफ यू टॉक अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन तो सी में वो लाइब्रेरीज uh, नहीं है एस टी एल नहीं है जावा कलेक्शन नहीं है अगर आपको इंटरव्यू और लोग थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक सी पे ही अटके रहते हैं बेसिकली वो सी से सी प्लस प्लस पे स्विच नहीं करते अब की फोर्थ सेमेस्टर पे आपको जाके इंटर्नशिप के देने होते हैं एग्जाम्स वगैरह तो वो मुझे पता नहीं है क्यों है लोग अभी भी करिकुलम में सी क्यों है आई मीन आई सी हो लेकिन साथ में सी प्लस प्लस या और एक ऐसा लैंग्वेज भी हो जिसमें लाइब्रेरी हो जिससे वो स्टार्टिंग से ही थोड़ा लाइब्रेरी पढ़ ले लें डीएसएल का थोड़ा आइडिया लग जाए तो वो मुझे एक बहुत बड़ा रीजन लगता है और दूसरा मुझे लगता है कि अ गुड सेट ऑफ एजुकेटर्स और टीचर्स आर मिसिंग इन कॉलेज क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा सैलरी है तो वो भी एक अच्छे कोडर टीचर्स का बहुत मिस uh, मिस होना भी बहुत बड़ा रीजन है राइट right. मतलब वो उसको प्रेफर कर लेते हैं रादर देन टीचिंग टीचिंग जनरली वही लोग करते हैं जिनका वो पैशन होता है कि जिनको पढ़ाना पसंद है अगर कोई हाई पेइंग जॉब छोड़ के एक कॉलेज में पढ़ा रहा है दैट मीन्स ही इज़ पैशन टू टीच पीपल वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है मतलब जनरली टीचिंग में लोग जाना ही नहीं चाहते जो अच्छे बहुत अच्छे कोडर्स हैं उनको पता है यार यहाँ से मेरे को डबल सैलरी मिल जाएगा दे डोंट प्रेफर टू गो देर लेकिन मैंने ऐसे बहुत लोग देखे निशान मैं अभी बहुत सारे कॉलेज विजिट करता हूँ आई ऑलवेज़ फाइंड सम पैशनेट टीचर वो कहता है यार मैं, मैं यू एस ऐसी छोड़ के यहाँ पर टीचिंग करने आया हूँ बट दैट्स अ वेरी गुड चेंज अगेन टू सी तो जैसे आपने बोला कि सी अभी भी करिकुलम में है बट आई सी कुछ कॉलेजेज में ये चीज़ चेंज होती जा रही है फॉर एग्जाम्पल इन इवन इन माई कॉलेज मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर में सी सी प्लस प्लस दोनों का एक्सपोजर मिल चुका था क्योंकि जो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट ही था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इट हैड बोथ सी एंड सी प्लस प्लस एंड आई थिंक जो जो अब नए करिकुलम आते जा रहे हैं कॉलेज में दिस चीज दिस थिंग इज चेंजिंग बिकॉज आई नो अबाउट आई आई टीज आई नो अब अब एन एस आई टी डी टी यू जितने भी ये सारे कॉलेजेस हैं इन सब कॉलेज में ये सब चेंज होता जा रहा है एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग राइट राइट आई मीन इफ कॉलेज आर चेंजिंग एंड हैपन अदरवाइज दे वुड बी प्रॉब्लम्स जब स्टूडेंट बाहर जाएंगे वो सी पे पढ़ रहे होंगे और जब वो इंटरव्यू को क्वेश्चन देने जाएंगे वो शॉर्ट खुद से लिख रहे होंगे शॉर्ट तो खेरा चलो सी में लेकिन स्टैक खुद से बना रहे होंगे मैप खुद से बना रहे होंगे तो बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली एंड ये सी में यह भी प्रॉब्लम है कि उनके पास तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएटेड प्रोग्रामिंग का आइडिया नहीं होता एंड कंपनीज आस्क अट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट तो भाई अगर करिकुलम थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा विद टाइम एंड लोगों को पता होगा कि हाँ डी एस ए ही करिकुलम में ऐड हो चुका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करिकुलम में ऐड हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम डी बी एम एस जो एक्चुअली पूछा जाता है अगर वही आप कॉलेज में पढ़ रहे होगे तो वो बैरियर अपने आप धीरे 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 खत्म होता जाएगा इनफैक्ट इसी के अलावा भी जैसे अगर आप वैब लैब्स की बात करें तो वहाँ पर अभी भी वही लोग चल यूज़ कर रहे होते हैं वैम्प जैम्प पी एच पी वाला थिं कंपनी आर स्विचिंग फ्रॉम पी एच पी एवरीवियर बट कॉलेज आर स्टिल टीचिंग पी एच पी एंड ऑल तो दैट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम अगेन

आप अगर वो आपका चैनल फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई और चैनल फॉलो कर रहे हैं कोई रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं अभी इतने अच्छे-अच्छे रिसोर्सेज हैं सो दे कैन एक्चुअली ब्रिज दैट गैप एंड दे कैन रीच द पॉइंट वेयर दे शुड बी राइट ये ये जो आपने चीज बोली काफी सही बोली कि अब नॉलेज uh, दोनों के पास सेम अवेलेबल होती है अब इट इज लाइक की तुम कितना ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हो एक टीयर थ्री स्टूडेंट और एक आई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है वो बस एक, एक एग्जाम हो सकता है उसका उस दिन खराब गया उसने नहीं पढ़ा हो इलेवन ट्वेल्थ में बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम वो चार साल अच्छे से पढ़ लेते हो क्योंकि कंपनी ने तो वही डी पूछना है और ये लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ें पूछनी है उन्होंने तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पूछना है तो तुम किस कॉलेज में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि अब तुम्हें अपॉर्चुनिटीज ही बहुत ज़्यादा मिल जाती है हायरिंग तुम्हारे कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा होते रहते हैं लिंग डिन से तुम रेफरल वगैरह ले सकते हो ये चीज़ अब है ही नहीं बैरियर ही नहीं है ये वाला और आई uh, आई भी आई इसलिए हैं क्योंकि वो वहाँ पर स्टूडेंट्स अच्छे हैं मैंने मैंने आई भी देखा है एक खराब कॉलेज भी देखा है एक कॉलेज में पढ़ाया भी है इट्स जस्ट द मैटर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा बहुत स्पेशल वहाँ के प्रॉप भी नहीं पढ़ाते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत वो स्पेशल पढ़ा रहे हैं इट्स जस्ट मोस्टली वो मुझे भी जो एक स्टार्टअप का आया गया मुझे भी स्टार्टअप करना है बिकॉज आई सॉ सम क्लासमेट्स दे वर डूइंग वेरी वेल एंड आई वॉज जस्ट अ जॉब तो वो एक स्टूडेंट्स की वजह से ही पूरा बिल्ड है आई का कल्चर भी एक अच्छे कॉलेज में बस यही होता है कि तुम्हें जो आसपास वाले लोग हैं वो पीयर ग्रुप होता है वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड तुम्हें मिल जाता है वो कच अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे होते हैं एंड तुम्हें अगर कुछ करना होता है ना तुम्हें लगता है यार ये कर रहा तो मैं भी कर, लेता भी कर सकता दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज और कुछ डिफरेंस नहीं है यही एक थोड़ा सा डिफरेंस है की आस पास वाले लोग तुम्हें और मोटिवेटेड मिल जाते हैं अगर तुम एक अच्छे कॉलेज में जाते हो बट अगर तुम खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो तो तुम्हारे कॉलेज से इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा रहे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज सेम ही अवेलेबल है हम और आप बस अपना ग्रुप अच्छा बना लो आप थोड़े ऐसे लोग पिक कर लो जो वो वाले नहीं हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या आपको बार बार कर रहे हैं ये करते वो होते जो अच्छा ग्रुप है जो फोकस है आप उनके साथ करो तो अच्छा हो जाएगा सर आप इतने टाइम से अभी जी को फुल टाइम कर रहे हैं तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं आप यू आर रनिंग अ अपड कंपनी जो कि आज के टाइम पर वैसे ही थोड़ा कम देखने को मिलता है वो भी एट टेक स्पेस में मोस्ट ऑफ द कंपनीज गो फॉर फंडिंग सीरीज ए सीरीज भी चले जाते हैं बट जी स्टार्टिंग से बूट है आपने कौन से कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं यार मैं तो हमेशा निशानद एक बूट स्ट्राइप कंपनी ही प्रेफर करूँगा मुझसे अभी भी कॉलेज में मैं बहुत सारे कॉलेज विजिट करता हूँ तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फंडिंग कैसे लें हाँ। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ यार कि पहले तुम कुछ कंपनी बना के दो हज़ार रुपये कमा लो महीने के हाँ। दो हज़ार की पाँच हज़ार दो हज़ार कुछ कमा लो हाँ। उसके बाद फंडिंग की बात करना क्योंकि आपका अगर आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और आपका टारगेट केवल फंडिंग लेना है या एक कि मैं फंडिंग लेके ग्रो करूँगा दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग अबाउट बिल्ड अ प्रोडक्ट बिल्ड अ स्मॉल प्रोडक्ट जो छोटे लोगों को थोड़े लोगों को ही कंज्यूम कर रहा हो उससे कुछ रेवेन्यू आ रहा हो फिर उसे बढ़ाओ लेकिन आई एम नॉट अगेंस्ट फंडिंग आपने अगर अच्छी प्रोडक्ट बना लिया है और आप प्रॉफिट बना पा रहे हो आप रेवेन्यू जनरप बना पा रहे हो नो हार्म इन टेकिंग फंडिंग बट अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ यार तो हम तो बूट स्ट्रैफ वाली जर्नी बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं क्योंकि आ, हम डे वन से प्रॉफिटेबल हैं हमारे केस में क्या हुआ था कि मैंने साढ़े पाँच साल वो एक पार्ट टाइम एक्टिविटी की तरह करा हाँ। और बहुत सारा कंटेंट जनरेट कर लिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस और कॉन्टेंट लिख दिया तो हमारा एक बेस रेवेन्यू था जब हमने फुल टाइम स्टार्ट करा वो साढ़े पाँच साल तक कंटेंट पर जो ऐड का रेवेन्यू था तो उसकी वजह से हमें बहुत क्वेश्चन मिला हुआ है तो वो बहुत एडवांटेज है हमें कभी हमने इन्वेस्टर्स को चेज नहीं करा हाँ। और अभी तो बूट चलाने के बहुत फायदे होते हैं अगर आप एक बूट कंपनी कर रहे हो तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग रिलेटिवली बहुत आसान होता है राइट और स्पेशली यहाँ पर जो आपकी ऑडियंस है जो बेसिकली बिगिनर और ऑन्टरप्रेनर है मैं उनको भी ये बोलना चाहूंगा यार कि आप बूट हमारे से भी अच्छी कंडीशन में हो अगर आप बिगिनर और ऑन्टरप्रेनर हो और आप मतलब दो तीन फ्रेंड हो और आप मिलके कोई कंपनी बना रहे हो आपका कस, आपका दस लोगों का भी कस्टमर बेस है वो कस्टमर बेस आगे बोलता है यार कि ये वाले यूआई में ये वाला चेंज कर दो आप अगर हमें हमसे बोलोगे तो हमें सबको अलाइन करना पड़ेगा अपनी टीम में और, और बड़ी कंपनी होगी इन्वेस्टेड होगी उसे और लोगों को अलाइन करना होगा आप तो दो तीन नाइट आउट मारोगे दस बारह घंटे काम करोगे और अपना प्रोडक्ट चेंज कर दोगे

वट डू यू थिंक हर एक कॉलेज स्टूडेंट को या फिर हर एक स्टूडेंट इन स्कूल को कोडिंग सीखना चाहिए या नहीं चाहिए चाहे कोई भी हो लाइक कोडिंग मेक्स योर लाइफ ईजियर जैसे अगर मेरे को कोई काम टी डी एस टास्क है मेरे को नहीं करना है और कंप्यूटर रिलेटेड है तो मैं उसका स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ अगर मेरे को थोड़ी कोडिंग आती है तो वो उससे मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है एंड एक कोडिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है लाइक like तुम्हें जो जो अगर तुम जॉब भी करना चाहते हो तो तुम्हें पेइंग जॉब्स मिल जाएंगी अगर तो तुम जॉब नहीं करना चाहते हो तो अगर तुमने कोडिंग सीख ली यू कैन टीच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट तुम अगर मनी टर्म्स में सोचो तो इट इज़ अ वेरी हाई पेइंग स्किल देखो कोडिंग का ले गया और मैं बहुत कले हूँ कि कोडिंग अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो, तो आपको हंड्रेड परसेंट करनी चाहिए और कई बार लोगों को लगता है कोडिंग मेरा पैशन नहीं है ये मेरा स्किल नहीं है देखो यार लाइफ में आप कोई भी स्किल सीख सकते हो एंड आई कम्प्लीटली फॉलो और कम्प्लीटली कन्विंस्ड बाय द मैसेज कन्विंस्ड बाय दिस मूवी फॉरेस्ट गम कि आप कोई चीज़ आप करते रहो करते रहो तो आप सीख ही जाओगे हाँ। हो सकता है बेस्ट ना बनो तो अगर आप कोडिंग की बात करो तो आज की जनरेशन में क्या है कि कोडिंग में बहुत जॉब है आज की जनरेशन में हमेशा से रहे हैं और हमेशा से ये रहा है कि बहुत अच्छे कोडर्स का डिमांड बहुत रहा है सप्लाई कम है उल्टा तो अगर आपको लगता है यार कोई एक चीज़ है जिससे मुझे जॉब मिल जाएगी देन वाई नॉट टू ट्राई इट आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए और सबको करना चाहिए कोडिंग के एक जॉब नहीं बहुत सारे आपकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्ड हो जाती है आपको हर फील्ड में अभी तो कोडिंग चाहिए ही वैसे भी आप ऑनटरप्रीनर बनना चाहते हो मार्केटिंग में जाना चाहते हो बेसिक कोडिंग तो एक बार ट्राई करो बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विशन हो जाएगा यार मेरे को अभी ये कोडिंग आता ही नहीं है तब एक बार को छोड़ दो लेकिन ट्राई तो जरूर करो यार ट्राई करना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट ऐसे देखने में लगता है जब तुम पहले 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 शुरू करते हो तो मुझे लगता है अरे तो बहुत मुश्किल है मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है ऐसे क्यों चल रहा है बट जब तुम्हें वो चीज़ें समझ आने लगती हैं तो इट्स वेरी ईजी काफ़ी ज्यादा लॉजिकल चीज़ें हैं सारी कोडिंग में बहुत ज़्यादा लॉजिक तुम्हारा इन्वॉल्व होता है अगर तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है तो मैं कोडिंग थोड़े टाइम बाद अपने आप अच्छी लगने लगेगी मुझे तो अभी भी बहुत मजा आता है मैं मतलब इतने टाइम से कोडिंग कर रहा हूँ और मुझे अभी भी जब एरर आते हैं उनको फिक्स करने में ह्यूमन से इंटरेक्शन से वो बिल्कुल लॉजिकल बताता है यार कि आपका यहाँ पे आपने गलत लिख दिया है या आपका केस हैंडल एंड आई इट बहुत मजा आता है अभी भी कोडिंग करने में मतलब सही कर दो बस सो थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी आपके साथ काफी मजा आया बात करके थैंक यू निशान फॉर है